एकदम से बंद है, कोई मतलब प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। 4 हो रहे हैं इस टाइम और हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स इस्लामाबाद और सारे मीटअप कर रहे हैं फैजाबाद में। तो इन्जॉय करें, मज़े का व्लॉग होगा। बासित मेरे पीछे बैठा हुआ है, यू नो मी एंड बासित आर ऑलवेज टुगेदर। और आज अभी देखते हैं, काफ़ी रश टाइम है इस टाइम, काफ़ी पीक टाइम है क्योंकि इस टाइम कुछ ऑफिस से छुट्टी भी हो रही होती है। और बस जा रहे हैं जी रश को काटते हुए और आपको मिलते हैं इंशाल्लाह हम लोग फैज़ाबाद में, जहाँ पे सारी हमारी टीम इकट्ठी हो रही है। सो सी यू एट फैज़ाबाद। आप लोग देख सकते हैं कितना रश है और पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती इस रोड पे इतना रश क्यों होता है। आप अगर यही मेरी रोड रात को ट्रैवल करें तो आप फैज़ाबाद मेरे ख्याल से नॉर्मल स्पीड पे 15 मिनट्स में पहुंच सकते हैं, 10 to 15 मिनट्स में। और इस टाइम फैज़ाबाद जाने के लिए हमें कम से कम जो है ना आधा घंटा चाहिए, और वो मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ 15 मिनट। मतलब आप इजीली जो है ना बाइक पे 10 मिनट में आप फैज़ाबाद जा सकते हैं विद स्पीड ऑफ 60 to 80। लेकिन आप ये जो इस टाइम हालात हैं, पता नहीं क्यों इस जगह पर रश होता है। हालाँकि कोई आगे सिग्नल भी नहीं है, कोई इस तरह का कोई मसला नहीं है। तो और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग लेट ज्वाइन करेंगे उन्हें और हमारी वजह से ग्रुप लेट हो जाएगा। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं फैज़ाबाद, अब हम अपनी टीम को तलाश कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ है। अच्छा बॉयज, अभी तक कुछ पता नहीं है किधर जा रहे हैं, बस मैं फॉलो कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से दामने को का प्लान बनाए और देखते हैं। भी इसी को है, हमने स्लो भी इसको चलाना है, टूर पे भी इसी पे जाना है, तो फिर इस बाइक को हम लोग उस रिस्क में डाल नहीं सकते। तो इस वजह से जो है मैं बाइक का एयर टैग रिमूव या एयर फिल्टर रिमूव नहीं करता बिफोर एनी रेस। काफ़ी लोग पूछ रहे थे इसकी क्या वजह है, तो बस ये वजह है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग काफ़ी लाइक कर रहे हैं ऐसे व्लॉग्स को जो वर्सेस होती है, जैसे YBR वर्सेस देश और YBR वर्सेस 150। काफ़ी मुझे लोगों ने, अब मेरा दिल है कि मैं किसी दिन YBR वर्सेस YBR करूं, एक स्टॉक YBR, क्योंकि मेरा भी स्टॉक है। और भाई मैं आपको दिखाऊँ कि माए YBR इज फास्टेस्ट इन द स्टॉक कैटेगरी। वो इस तरह के अभी आपको अगर मैं किसी YBR के साथ रेस करूँगा तो यू विल सी कि मेरा बाइक काफ़ी इजीली इन बाइक को बीट कर ले। सो इंशाल्लाह किसी ना किसी दिन हम लोग वो ब्लॉग बनाएंगे। और तब तक के
लिए आप जो भी ब्लॉग्स आ रहे हैं उनको इन्जॉय किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि सब्सक्राइब के बगैर कोई फ़ायदा नहीं होता। आप सब्सक्रिप्शन अगर मुझे नहीं आ रही सर, मुझे कोई आप कहने हिम्मत होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अब 700 में पहुँच चुके हैं, तो मैं अब कहता हूँ कि जल्दी जल्दी 1000 हो, और जल्दी जल्दी जो है ना 1000 तक मैं पहुँच चुका हूँ, क्योंकि 1000 बहुत मुश्किल है, कहते हैं पहला माइलस्टोन 1000 है। तो या बस ये है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी किया करें। अभी ये डिस्कशन हो रही है कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि कहाँ जाएंगे, मुनाल या दामने को, क्योंकि काफ़ी हम लोगों ने गाड़ियाँ देखी हैं इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं जो दफ्तर से निकलते हैं रिलैक्स करने के लिए, इस्लामाबाद के लोग के ऊपर दामने को या मुनाल चले जाते हैं। और अब तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वीकेंड पे रश होता है, बल्कि अब तो वीक डेज में भी रश होता है, क्योंकि लोगों को अब इस चीज़ का आइडिया है कि हम लोग अगर वीक डेज में जाते हैं तो रश नहीं होगा, तो कुछ लोग इवन वेंसडे से ही शुरू कर देते हैं जाना। काफ़ी हमें फील हो रहा है ऐसा, तो देखते हैं क्या होता है आगे। और अभी हम लोग इस चीज़ को वो कर रहे हैं कि आगे पता नहीं आवाम होगी नहीं होगी, इस चीज़ को एंटिसपेट कर रहे हैं, वो उधर जाते ही पता लगेगा, देखते हैं। अगेन वेट प्रेशर काफ़ी है, मतलब देखिए मैं 50 में जा रहा हूँ, ये इतनी तेज वेट प्रेशर है। हम इंटर हो गए हैं जी इधर मुनाल वाली रोड पे, जो कि शक्कर पनिया भी जाती है, और हम लोग अभी तक किसी कश्मकश में है कि यार रश होगा नहीं होगा, लेकिन है काफ़ी रश है, हम लोग देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा रश है इधर आज, काफ़ी लोग सरकर के आ रहे हैं जा रहे हैं। नीचे उतारने लगे थे उधर से, वहाँ से। सो बॉयज़ आप मेरी देखें वो फेस देख सकते हैं, हम लोग जा रहे हैं उस हट पे आगे, क्योंकि अब सीन कुछ ऐसा हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, आगे मुनाल जाने का फ़ायदा नहीं है, वापसी पे रश हमने बहुत दफ़ा एंड्योर की है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग ना ईजिली उधर चले जाएँ सामने हट पास से निकाल लें। हम इधर आ गए हैं मुनाल की एक स्पॉट पे, मुनाल पे नहीं खैर हम लोग एक स्पॉट पे हैं जो बड़ा खाली होता है, अब बस ये ऊपर हम चढ़ते हैं, ये देख ये देखें कितना प्यारा ये देखें मौसम है। अभी अब मैं डालूंगा व्लॉग विद ड्रोन क्लिप्स एंड यू विल मिस इट। मौसम बहुत प्यारा है, इसके बाद हम लोग रात को भी थोड़ी देर बाद यहाँ से नीचे उतरेंगे, तो फिर हम लोग देखते हैं क्या होगा। वो गाड़ी बंद हो गई है जी, अब देखते हैं यहाँ पे होगा क्या। ओ वाले हैं, मैंने तो पता होगा।
मौसम बहुत फिट है और हम लोग कब से यहाँ पे बैठे हुए हैं डूइंग नथिंग, और हम लोग अभी देख रहे हैं कि वापसी पे नीचे उतरते हुए कुछ खाएं पिए, तो अभी तक तो हम लोग बस बैठे हुए हैं और आपको दिखाते हैं, फिर वो देखें वो सामने फैसल मस्जिद है, वो सामने ये सारे अपनी बातें कर रहे हैं बस। सीन कुछ ऐसा है कि हम लोगों का प्लान है, फादी भी कहाँ पे I-8 की तरफ हमारा प्लान है, और वहाँ पे हमारा प्लान फिर खाने को है कुछ, क्योंकि खाए बगैर तो आपको पता है हमारा ट्रिप पूरा मुकम्मल नहीं होता, और बहुत मज़ा आएगा और बहुत मज़ा आ रही है, बहुत अभी तक बहुत मज़ा आ रही है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। बॉयज एंड गर्ल्स जो जो ये देख रहे हैं, वाजिया डिग्री में फ़र्क है, टेम्परेचर में फ़र्क है, तकरीबन आप कह लें 3 से 4 डिग्री में फ़र्क है इस टाइम। चिलिंग सर्दी आ गई एकदम से, चिलिंग सर्दी, ओह माय गॉड, बहुत मज़े का मौसम है यार, इसीलिए देखते हैं ग्रीनरी जहाँ होगी वहाँ पे ठंड होगी, बहुत मज़े का यार टेम्परेचर है यहाँ, बहुत मज़े का, सो चिली टेम्परेचर, मेरे तो घुटने भी ठंडे होने शुरू हो गए हैं यार, इतने मज़े का टेम्परेचर है। लुक एट द ग्रीनरी, ये देखे सारी ग्रीनरी, ऐसे रोड है बीच में, पहले इधर के तो खा। अच्छा हम लोग आ गए हैं इस टाइम I-8 में और हम लोग कबाब खाने लगे हैं, चप्पल कबाब, ये माशाल्लाह नान सेंटर से, बस अभी कबाब आएंगे तो आपको दिखाऊंगा। पिंक कलर के भी ये हमारे कबाब रेडी हो रहे हैं, और ये कबाब रेडी होके हम लोग सारे खाएंगे और आपको बताएंगे कैसा टेस्ट है इसका। ये कबाब आ गए हैं विद चटनी एंड कबाब एंड द नान, और वो लैला रायता इन्होंने खरीदा है, और अब हम आपको खाब के बताएंगे कैसा है कबाब। खाने के बाद दोबारा कुछ खाते हुए आदिल भी खा रहे हैं, पेप्सी भी चल रही है, मतलब हर वक्त भूखे रहना जो है ना, men आर ऑलवेज हंग्री, ये वो जुमला है, तो देखते हैं आगे भी क्या होगा। सो गाइस दिस इज द एंड, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा आज के छोटे से व्लॉग में, फनी सा व्लॉग था, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि हम लोग की एक कैजुअल राइड कैसी होती है, एक छोटा सा ट्रिप, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इंशाल्लाह इन द फ्यूचर और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Times like this, you just take it slow.